what you have to say, the entire making of the song? I think, you know, this is मेरे हिसाब से ये तो ये this is a need of the hour. जब भी हम कुछ music बनाते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि let's try to make a good song rather than making a hit song. Good song always becomes a hit. Hit में जा कोशिश करते हैं तो कभी miss हो जाता है वो. तो मैं actually बहुत खुश नसीब हूँ that मुझे ऐसा मौका मिला. बहुत कम कॉल आता है और कहा जाता है कि एक गज़ल पे काम करें एक अच्छी. तो बहुत खुशी हुई जब मेरे प्रतिभा का जब मुझे कॉल आया दैट लेट्स वर्क ऑन समथिंग विच यू लाइक. और जाहिर है मैं जब गाना हम लोग बनाते हैं तब आई हैव टू लाइक इट. बट ये जो जॉनर है ना वो मैं बहुत इससे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है. और क्योंकि मैं खुद गज़ल सुनता हूँ और मैं हमेशा इस जॉनर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ तो मौका मिलता नहीं है ज़्यादा इस यू नो गज़ल्स बनाने का. और फिल्मों में भी बहुत कम ऐसे सीन सिचुएशंस आते हैं. इस टाइप की फिल्में ही नहीं बनती हैं ऑनेस्टली. और नॉन फिल्म म्यूज़िक में भी यू नो देर इज़ वेरी लेस डिमांड फॉर सच म्यूज़िक. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सूफी स्कोर एंड प्रतिभा टू हैव दिस. इसकी कल्पना करना और ऐसी सोच पैदा करना है कंपोज़र में वो भी एक बहुत बड़ी बात है. सो थैंकफुल फॉर दैट. ऐसी कंपोजिशंस ये मैं नहीं मानता हूँ. ये चीज़ जो है ना ये जॉनर जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा. यू नो आई मीन फ्रॉम यू कैन से फ्रॉम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब टू मेहदी हसन टू यू नो फ्रॉम टू गुलाम अली जी टू जगजीत जी. इट्स अ ट्रेडिशन एंड नाउ ब्यूटिफुली यू नो जो ये टॉर्च बेरर्स हैं वो प्रतिभा है पृथ्वी है जैज़िम है ये लोग. और मैं जो आर्टिस्ट का नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ. बट बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ये गज़ल जो ऐसा जॉनर है ना वो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा. इसमें पोइट्री का बड़ा वो है बहुत बड़ा हिस्सा है गज़ल. मीनिंग मेनली इट्स सेंटर्ड अराउंड वर्ड्स एंड पोइट्री एंड दैट लीड्स टू द क्वेश्चन टू थ्रास. नेचुरल लगता है जो लिरिक्स है बहुत मीनिंगफुल है एंड ऑब्वियसली द टाइटल इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव. देखिए पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया और सलीम भाई ने बात की कि गज़ल नहीं होती गज़ल कहाँ नहीं होती. हमने बेचारे को गज़ल को बेवजह बदनाम कर दिया और उसको हम गज़ल को बहुत कुछ ऐसा समझते हैं कि बहुत कोई टिपिकल चीज़ है. हर गाने में गज़ल होती है. जिस गाने में ख्याल है उसमें शायरी है. जिस कंपोजिशन में मेलोडी है उसमें गज़ल है. वो सिंगिंग है वो जो सूफीज़ में होता है वो हर गानों में होता है. तो ऐसा नहीं है गज़ल का खाली नाम दे के हमने उसको थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया. ये बहुत अच्छी बात नहीं है. और गज़ल हमेशा से रही ऐसा सलीम भाई ने कहा है हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी और हर गाने में है. अगर हम तलाश करें अच्छी चीज़ खूबसूरत चीज़ को हम गज़ल कहते हैं. गज़ल कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है जिससे कोई बदबू आएगी या कोई चीज़ ख़राब लगेगी. गज़ल बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है. अगर गाना खूबसूरत है वो गज़ल है. फिल्म खूबसूरत है वो गज़ल है. लड़की खूबसूरत है वो गज़ल है. धुन खूबसूरत है वो गज़ल है. सब गज़ल है अगर वो खूबसूरत है. और अगर खूबसूरत नहीं है तो ना फिर वो गाना है ना फिर वो म्यूज़िक है ना फिर वो लड़की है ना फिर वो लड़का है ना कोई फिल्म है कुछ भी नहीं. तो खूबसूरती का नाम गज़ल है. गज़ल कोई बहुत ही प्यारी चीज़ है. इसको मैं कहता हूँ कि सब अपनाएं. और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आपने इस फॉर्मेट पे काम किया. और प्रतिभा जी बहुत शुक्रिया आपने इतना अच्छा गाया. सर आपने इसको इतना अच्छा जो है वो डायरेक्ट किया और मैं खुश हूँ इससे. और हमेशा से ये काम होता रहा और हमेशा आगे बहुत होगा क्योंकि अच्छाई हमारे यहाँ ज़्यादा है और बाकी की चीज़ें कम हैं वो हर दौर में रही हैं. और अच्छी चीज़ की ताकत ये होती है कि वो बहुत दूर तक जाती है इसलिए सदियों से ख़त्म ही नहीं हो रही है. तो इसका मतलब इसमें दम है. सो वेल सेड. क्या बात है. वेल डायरेक्टेड वीडियो. इट्स गॉट द एलिमेंट व्हिच इज वेरी नोवेल यू नो. और आपने कहा बहुत डिफिकल्ट रहा आपके लिए चैलेंजिंग रहा जब आपने टाइटल और लिरिक्स गाने के जब सुने थे. तो पूरी जर्नी कैसी रही आपकी. वेल सबसे पहले तो जैसे गज़ल नाम आता है तो लोग इंडियन और ज्वेलरी और मेकअप मुजरा ये थोड़ा सा एक देखा गया है. बॉलीवुड में भी देखा गया है जनरली एल्बम्स में भी देखा गया है मोर वीडियोज़ में. तो इसको मैं
कुछ बिकॉज इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती, इट्स मल्टी लिंग्विस्ट, तो इसलिए सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से पेश किया जाए, कोई अलग स्टोरी लाइन बनाई जाए, कुछ ट्राई किया जाए, एक्सपेरिमेंट भी करना था, बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डेप्थ ऑफ द कॉम्पोजिशन, द वर्ड्स, द ग्रेविटी ऑफ द होल सॉन्ग. आई वॉन्टेड टू मेंटेन दैट एंड नॉट मेक सम फैंसी काइंड ऑफ वीडियो, यू नो. सो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर, आई थिंक प्रतिभा ऑल्सो डिड अ वेरी कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस इन दिस वीडियो, कंट्रोल द इमोशन. कभी कभी क्या होता है कि रो के सर पटक के इस तरह से इमोशन दिखा सकते हैं. इफ यू आर सैड, यू नो, यू डू लॉट ऑफ थिंग्स टूडे, नाउ दिस इज अ ट्रेंड, हिस्टेरिक, यू गेट हिस्टेरिक, बट इस सटल वे में कंट्रोल करके फ्लैट एक्सप्रेशन, फ्लैट फेस रख के उसको प्रोजेक्ट करना आंखों से नेचुरली, दैट इज commendable, and I think she did a fantastic job and made everybody's life easy on the set. Absolutely. So I think the due credits to, honestly, the song, the composition, the lyrics, the singing, same with the performance. Singing studio mein jis tarah se Pratibha ne isko itni aasani se gaya hai, composition itni वैसे आसान है ही नहीं, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं, but the way she sings it, it's very effortless. गायकी इतनी, मतलब शी सो तैयार दैट वो कुछ भी जब गाती है तो बहुत सोच के और बहुत उसको फील करके गाती है. सो दैट इज ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है. कितना चैलेंजिंग रहा गाना फिर फीचर करना एंड द इमोशंस दैट यू हैव टू ऑब्वियसली यू नो गेट देम आउट आल्सो बिकॉज़ इट्स अ डबल रिस्पांसिबिलिटी. So, first of all, I missed out on 2-3 names earlier. I'd like to mention them. Very, very integral part of the production, that is Gaurav Vaswani, without whom we could not have done it. And Deepak ji ke wo ekdam saath mein date rehte hain. So Deepak ji and Gaurav ji ne saath mein isko milkar produce kiya. Gaurav ne Deepak ji ko definitely unke saath milkar produce kiya hai. And it was definitely Deepak ji's idea and his vision. Also then there is Prashant in this ghazal hamare bahut acche tabla player hain, and then entire Seven Heaven studio team. Raj could not be here. Raj ne mujhe record kiya tha Salim bhai ke studio mein. So after all, yes, also Purbayan ji could not be here. He played the sitar, and then Naveen ji who played the flute. So everybody is traveling and everybody is stuck somewhere because of the rains and all. Now talking about the song, how I sang it, it was not so easy. Jaise ye mujhe baar baar bol rahe hain ki itne aasani se gaya, it was not so easy for me. Lekin ek cheez ye hai ki Salim bhai aapko itna free chhod dete hain gaane ke waqt ki wo, he lets you do your own things. He just makes you listen to the song. आप एक बार सुन लो, उसको अपने अंदर उतार लो, फिर आप अपने हिसाब से गाओ. इट इज़ योर सॉन्ग. सो इन्होंने मुझे ऐसा अपना गाना बनाने दिया पहले. ही मेड मी हियर द कॉम्पोजिशन, ही मेड मी, आप मुझे याद है इन्होंने मुझे हम करके ट्यून मुझे फ़ोन पे सुनाई थी और मुझे स्केल पूछा था कि ये सही है. मैंने इनको एक बार याद है कि मैंने बोला था कि मुझे ना थोड़ा ऊँचा लग रहा है, तो ही सेड दैट एंड आई थिंक आई जस्ट बिलीव्ड इन इट. आपने बोला था कि स्केल पता है क्या होता है, यहाँ होता है. इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द स्केल यू विल डू इट. आई थिंक आई डिड इट. इट्स आई थिंक जस्ट हियर बिकॉज इतना अच्छे से, इतना एफर्टलेसली हो गया बिकॉज आई कुड फील इट, इट्स माई सॉन्ग. इन्होंने मुझे अपना गाना बना लेने दिया और उस तरह से मैंने कोशिश की एंड इट केम आउट रियली वेल. उसके बाद में वीडियो के बारे में मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अभी भी हर बार कैमरे के सामने जाती हूँ तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोज, लेकिन इस गाने में जैसे कि सर ने बोला है कि सटल फेस रखकर, क्योंकि ये बहुत मंझे हुए एक्टर्स कर सकते हैं और मैं तो कभी सीखी भी नहीं हूँ, और दो ही म्यूजिकल्स में एक काम किया है आज तक, एक मुगले आजम और एक उमराव जाना था, तो उसमें से जितना मैंने सीखा है उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कुछ कोशिश की है करने की. एंड आई थिंक सर थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग. ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब. थैंक यू पारुल. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू.
फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर टू मैडम सलीम भाई. मेरे सलीम सुलेमान जी मेरे बरसों से दोस्त हैं और इनके हर इवेंट, फिल्म और सीरियल और अवार्ड का मैं हिस्सा हूँ, टीवी शो का भी हिस्सा हूँ और मैडम का भी बहुत फिल्मों के गाने के होर्डिंग्स मैंने लगाए. और बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा इन्होंने एल्बम, इनके सब मैंने प्रोमो देखे और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा इनका दोनों जन का नेचर है, इसलिए मेरे पास बहुत अर्जेंट काम था, थोड़ी छोड़ के मैं आ जाया. आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार. हमेशा जिस तरह से योगेश भाई सपोर्ट करते ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, अच्छे काम को, बड़ी बड़ी पिक्चरें तो करते हैं, बड़े बड़े बैनर्स तो करते हैं, बट साथ में जितनी भी इंडिपेंडेंट लोग के साथ में जो काम करते हैं ना वो काबिल-ए-तारीफ. थैंक यू योगेश जी, थैंक यू.